साबिक वज़ीर-ए-आज़म की लंदन के रेस्टोरेंट में तस्वीर सामने आने के बाद पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नवाज शरीफ को उनकी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट फौरी भिजवाने की हिदायत कर दी। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से आइंदा 48 घंटों में मेडिकल रिपोर्ट तलब की हैं। रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद मेडिकल बोर्ड इनका जायजा लेगा और इन रिपोर्ट्स की रोशनी में नवाज शरीफ को लंदन में कयाम में तौसीद देने या ना देने के हवाले से फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को 23 दिसंबर को जमानत कयाम में तौसी की दरख्वास्त दी थी, जिस पर उनके वकील ख्वाजा हारिस को खत लिखा था, लेकिन उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स के हुसूल के लिए नवाज शरीफ के जाती मौलिज को खत लिखने का कहा। ख्वाजा हारिस के जवाब के बाद पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान और अता तारर को भी खत लिख दिया है, जिस पर डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स हुकूमत को भिजवा दी। उधर सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए भिजवाई गई रिपोर्ट्स में कार्डियक स्कैन और एको कार्डियोग्राम समेत टेस्टों की तफसीलात शामिल है।